जी आबाब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असदुल्ला चिश्ती और आप ऑफिशियल मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरे चैनल पर भी मैंने डाल ली। मैं आज हूँ मुल्तान फजल मॉडल में, खिताब मैंने रात किया और फिर रात में किधर ही लेटा, तो अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई मुझे, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और जितने मेरे उलमा और नकीब महफिल ना, तो जो भी फेसबुक यूज़ करता है, उन सब के लिए ये वीडियो है। ये कॉल आप साथ साथ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग सुने आप। ये मुझे कॉल आई और वो कहने लगा जी कि मैं पाकिस्तानी एक इदारे से बात कर रहा हूँ और आपके नाम पे फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं, 3 अकाउंट आपके नाम से चल रहे हैं, अलामा असदुल्ला चिश्ती, असदुल्ला चिश्ती और फिर एक असदुल्ला चिश्ती के नाम से, तो आपने वो अकाउंट रखने या ब्लॉक करवाने। मैंने कहा भी वो 3 अकाउंट मेरे हैं, एक मेरे मोबाइल में चल रहा है, 2 मेरे कंप्यूटर में लोगे। कहता जी वो इधर से एक रखेंगे, बाकी आपके इधर से ब्लॉक होंगे। मैंने कहा जी अच्छा वो कैसे। मैंने फिर सोचा कि मैं देखूँ ज़रा ये कहता क्या करता क्या। उसने कहा जी आपके पास अभी मैसेज आया, वो जैसे व्हाट्सअप में ड्रामा होता था कि आपको मैसेज आता है। मैंने देखा वो फेसबुक पे मैसेज 600-300 का मैसेज आ गया, बताना मैंने नहीं इधर। तो मुझे कहता जी वो बताएं। मैंने कहा जी मेरे मोबाइल में सेंसर लगा हुआ है, तो वो कॉल चल रही हो ना तो कोई भी मैसेज शो नहीं होता। कॉल मैंने काटी, चेक किया तो वो फेसबुक का मैसेज था। तो उसके बाद मैंने वो कॉल उसकी दोबारा आई जी, वो मैसेज बताए। मैंने कहा वो तो मैं बताऊंगा, तो आप मेरा वो फेसबुक हैक हो जाए, नहीं जी वो इधर से मैं वरना ब्लॉक कर दूँ। ये सुन लें जरा, कॉल सुन लें जी। तो कॉल आपने सुनी, देखा फिर कैसे वो अपने ड्रग। तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इनसे होशियार रहे, इनको आपने मैसेज नहीं बताना, वो कोड आपने नहीं बताना। वो कोड बताएंगे तो आपका पासवर्ड भी जब वो चेंज कर दे। ये तब होता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाए। मैं आपको बताता हूँ, आप एक आईडी लॉगिन करते हैं, आप अपनी एक आईडी लॉगिन करते हैं और आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको पासवर्ड याद, तो नीचे ऑप्शन होता है कि आप अपनी आईडी, क्योंकि पासवर्ड भूल गए तो वो फिर आपको मैसेज कर देते हैं आपके जीमेल में, फेसबुक का वो मैसेज आपके फेसबुक का आपके जीमेल में चला जाता है या आपके मोबाइल नंबर पे आता है जो आपने नंबर उसमें ऐड किया होता है। तो अगर आप वो नंबर बता देंगे तो वो नंबर लगा के अपने पास उसी आईडी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में भी वो नंबर चेंज करके और मवाद भी अपनी तरफ से कुछ डाल सकते हैं, आपकी आईडी हैक हो जाएगी, वो आपकी आईडी का मिस यूज़ कर सकते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह आपको आबाद रखे, आप सलामत रहें और होशियार रहें ऐसे लोगों से होशियार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर, चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर डेरा बिठाना जितने इमरान आज से नाकाम हो गया है।
माशाल्लाह दरबार शरीफ वली कामिल हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद अलामा खतीब लासानी अलामा असदुल्लाह चिश्ती साहब और टच वाली सरकार तशरीफ़ फरमाने हाजिरी दे रहे हैं।
बस देख हाय हाय शाहरुख ने आलम के दरबार पे देखा। शाहरुख ने आलम के दरबार पे देखे। नजारे देखें जी, वली आफत इजाज सईदी के संग अल्लाह दे वो तो की जरूरत पे चार रुकले आलम से शाहरुख ने आलम दूरी हजूरी गेट मुर्शिद जूता स्टैंड ये साढ़े जोड़े टोकन हाँ जी टोकन चोकन नहीं है का? बात पहचान के ले खत्म हो गए ना सारे सिंधी ले गए ना पहचान के ले चलो वेख ले बाद में तो छुट्टियां ना बस दार में दार अपना अपना खाने में छुट्टियां इधर अब सूरज जा रहे हैं ना इजाज़ सईदी सब साथ साथ यही लेके आया मुझे अल्लाह तो पहले मुल्तान जब भी आता हूँ ना तो हाजिरी नहीं होती तो आज हाजिरी जो मुमकिन हुई है ना वो इसी वजह से शाहरुख ने आलम इसके बाद तो ख्वाजा बावलक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह आपके आस्थाने पे भी हाजिरी होगी मुझे कबूतर क्या नजर क्या Thank you.
ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ ਆ ਜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸ ਤੇ ਬਣਾ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਲਮ ਦੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹ ਰੁਕਨ ਆਲਮ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਥੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ علامہ اسد اللہ چشتی صاحب دیکھو جی کیسا رب نے نظارہ बड़ा मजबूती से मोबाइल को पकड़ना पड़ रहा है कहीं गिरी ना जाए काफ़ी बुलंदी पे हूँ मज़ेदार और बड़ी खूबसूरत हवाएँ बड़ी अच्छी चल रही है ठंडी ठंडी हवाएँ आधे आसमान तक तो मैं पहुँचाऊँ तो रब नेड़े चल रहा है ये जी जा सईदी साहब अलाज़र माशाल्लाह प्यारा बच्चा और सुबह से लेके मुझे फिर रहा इधर आस्थानों पे दरबारों पे और फिर सैरें करवा रहा है खूबसूरत है आप भी मुल्तान आए तो ज़रूर रब्ता करें इसे अपना फेसबुक अकाउंट भी है व्हाट्सअप नंबर भी इसका मैं दूंगा मेंशन करूंगा नहीं जी अब आगे जाऊँ तस्वीर फिर होना वापसी वाला वो दूसरा ये आप देख रहे हैं ये मेरे मुर्शिद करीम ग़ज़ाली ज़मां राज़िए दौरां पीर सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह उनका आस्थाना शही ईदगाह मुल्तान शरीफ अलामा असद अल्लाह चिश्ती साहब यहाँ पे
आए हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त से नवाजे। मरकज़ी शही ईदगाह, यहाँ पे जुमे वाले दिन बहुत बड़ा है, हर जुमा बहुत बड़ा इजमा होता है जो तारीखों में कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, दरबार शरीफ, कुतुब अल-अक्ताब, वली कामिल, हजूर गजाली जमा राजिय दौरा, पीर सैयद अहमद सईद शाह साहब काजमी, मुल्तान शरीफ के शहनशाह औलिया में इनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने दीन का बहुत काम किया, अकीदे का बहुत काम किया। असदुल्ला चिश्ती साहब अल्लामा इधर हाज़िरी देने के लिए आए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। गजाली जमा के साहबजादे वली इब्न वली अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद सिजाद से शाह काजमी, लो जी हजूर गजालिए दौरान हजूर गजालिए जमा के आस्ताने से रवानगी वापसी हो गई। और ये बाजी रशीदा बाजी फ्लाई ओवर हम गुजर रहे हैं। ये रशीदा बाजी का मुझे समझ नहीं आया क्या लॉजिक है। ये एक नाम है रशीदा आबाद। मैं कह रशीदा कोई बीपी है और ये गजालिए जमा के शगिर थे हाफिज अलामा खादिम हुसैन सईदी, उनका ये इदारा है। ये उनका इदारा है माशाल्लाह, बहुत बड़े आलम है। क्या बात। और ये जो सामने बीबियाँ नज़र आ रही हैं ये कौन है? ये केंद्रीय ये इधर क्या आप नहीं है? ये चिश्ती साहब के साथ सेटल हो जाती है, ये आने जाने वाले को गुमराह करती है। नहीं, ये चिश्ती साहब के साथ सेटल हो जाती है। शादी करनी है पहले, इसके लिए बच्ची खूबसूरत सी हो तो बताए। दवाई मेरे नाल ही होगी जी, कोई भैन पांच छे होनी चाहिए ने, क्योंकि फिर मैं भी तो आना ना है। चौक घुमियार तुम समझ तो गए होंगे। जैसे मैंने अपने एक महल्ले के घुमियार को जलील किया था, आपको समझ आ गई होगी बात। है जी बेगम जी, तुम सुना रहे हैं। चौक वो देखे एक बार फिर से बच्चियों ऊपर आ गई है।
किसी का गला खराब है हाथ लगा के बता रही है, दूसरे का पेट खराब है अपने वहाँ पे हाथ लगा है। जो तुम्हारा वाला क्या ये फ्लाइया वाला है, वीडियो को चलने देना, आगे मैं गजालिया जमा का मदरसा जामिया अनवार लोन दिखाऊंगा। ध्यान से फंस में ना ठोक के ना बात कोई और शहर देख लीजिए, दूसरे गजालिया जमा था मदरसा बखादा बखादा सबका हल बखा दी। बस दे चलो दी वो बड़े आराम दे उदे ही पीछे ही रह। ये बहुत नाजरीन टक्कर लगा कार जो कार वाले इशारा लाए ब्रू है ए जी जो कुमारा वाला उतर गए ए आज तो ज़ियारत कराने का गजालिया समाधा इदारा जामिया इस्लामी अरबी अनवार लोन ये सामने अनवार लोन पुलिस थाना पास बहुत बड़ा इदारा है अमन जामिया लगा जा सामने ध्यान रख। और ये वो गाड़ी थी नाजरीन जिसमें पहली वो आपका जी अहबाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं असदुल्ला चिश्ती और आप ऑफिशियल मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो देख रहे हो, दूसरे चैनल पे भी मैंने डाली। मैं आज हूँ मुल्तान फजल मॉडल में, खिताब मैंने रात किया और फिर रात में इधर ही लेटा तो अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई मुझे, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और जितने मेरे उलमा और नकीब महफिल होना तो जो भी फेसबुक यूज़ करता उन सब के लिए ये वीडियो है। ये कॉल आप साथ साथ रिकॉर्डिंग सुने आप। ये मुझे कॉल आई और वो कहने लगा जी कि मैं पाकिस्तानी एक इदारे से बात कर रहा हूँ और आपके नाम पे फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं, तीन अकाउंट आपके नाम से चल रहे हैं, अलामा असदुल्ला चिश्ती, असदुल्ला चिश्ती और फिर एक असदुल्ला चिश्ती के नाम से, तो आपने वो अकाउंट रखने हैं या ब्लॉक करवाने। मैंने कहा भी वो तीनों अकाउंट मेरे हैं, एक मेरे मोबाइल में चल रहा है, दो मेरे कंप्यूटर में लोगे। कहता जी वो इधर से एक रखेंगे बाकी आपके इधर से ब्लॉक होंगे। मैंने कहा जी अच्छा वो कैसे। मैंने फिर सोचा कि मैं देखूं जरा ये कहता क्या करता क्या। उसने कहा जी आपके पास अभी मैसेज आया, वो जैसे व्हाट्सअप में ड्रामा होता था कि आपको मैसेज आता है। मैंने देखा वो फेसबुक पे मैसेज 600-300 का मैसेज आ गया, बताना मैंने नहीं इधर। तो मुझे कहता जी वो बताएं। मैंने कहा जी मेरे मोबाइल में सेंसर लगा हुआ है तो वो कॉल चल रही हो ना तो कोई भी मैसेज शो नहीं होता। कॉल मैंने काटी चेक किया तो वो फेसबुक का मैसेज था। तो उसके बाद मैंने वो कॉल उसकी दोबारा आई जी वो मैसेज बताया। मैंने कहा वो तो मैं बताऊंगा तो आप मेरा वो फेसबुक हैक हो जी, नहीं जी वो इधर से मैं वरना ब्लॉक कर दूँ। ये सुन ले जरा कॉल सुन ले आप जी। तो कॉल आपने सुनी देखा फिर कैसे वो अपने ड्रग, तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इनसे होशियार रहे, इनको आपने मैसेज नहीं बताना, वो कोड आपने नहीं बताना, वो कोड बताएंगे तो आपका पासवर्ड भी वो चेंज कर देते। ये तब होता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाए। मैं आपको बताता हूँ, आप एक आईडी लॉगिन करते हैं, आप अपनी एक आईडी लॉगिन करते हैं और आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको पासवर्ड याद, तो नीचे ऑप्शन होता है कि आप अपनी आईडी चूँकि पासवर्ड भूल गए तो वो फिर आपको मैसेज कर देते हैं आपके जीमेल में फेसबुक का, वो मैसेज आपके फेसबुक का आपके जीमेल में चला जाता है या आपके मोबाइल नंबर पे आता है जो आपने नंबर उसमें ऐड किया होता। तो अगर आप वो नंबर बता देंगे तो वो नंबर लगा के अपने पास उसी आईडी को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद में भी वो
नंबर चेंज करके और मवाद भी अपनी तरफ से कुछ डाल सकते हैं। आपकी आईडी है कुछ, वो आपकी आईडी का मिस यूज कर सकते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह आपको आबाद रखे, आप सलामत रहें और होशियार रहें ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से होशियार रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चुंगी नंबर 14 भलाइए बार, चुंगी नंबर 14 भलाइए बार। डेरा बिठाना जितने इमरान आज से नाकाम हो गया है। माशाल्लाह दरबार शरीफ वली कामिल हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद अलामा खतीब लासानी अलामा असदुल्लाह चिश्ती साहब और टच वाली सरकार तशरीफ फरमाने हाजिरी दे रहे हैं।
नाम बजा को नाम क्या बस देख हाय हाय शाहरुख ने आलम दरबार पे देखे शाहरुख ने आलम के दरबार पे देखे नजारे देखें जी वली आफत इजाज सईदी के संग अल्लाह देव छोटा किधर उठ पे चार रुकले आलम से शाहरुख ने आलम दूरी हजूरी गेट जूता स्टैंड साढ़े जोड़े टोकन हाँ जी टोकन चोकन नहीं आएगा बात खत्म हो गए ना सारे सिंधी लाए गए ना
ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਦੇ। इधर अब सूरज आ रहे हैं ना। रोंदा कह लो ये जी इजाज सही जी सब साथ साथ यही लेके आया मुझे। अल्लाह तो पहले मुल्तान जब भी आता हूँ ना तो हाजिरी नहीं होती, तो आज हाजिरी जो मुमकिन हुई है ना इसी वजह से। शाहरुख ने आलम इसके बाद तो ख्वाजा बावलक जक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह आपके आस्थाने पे भी हाजिरी हो रही है। कबूतर क्या नजर क्या जगह वो है जिन्हों कोई वाल नहीं होंगे किसी जगह के उत्ते कोई तकलीफ है इतने ज्यादा तो मतलब गिरिया के दस्ते बना आ जाओ तुम माशाल्लाह ये वो जगह है कि वली एक अमल दे स्थान है दरबार शरीफ के कि कोई दर्द है कोई पीड़ है कोई जख्म है इतने आके उन्होंने जरा नमस करो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। वली एक अमल दे दरबार शरीफ के ख्वाजा शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी आ जाओ माशाल्लाह हम तुहानू विखाण लगे हैं कि खाज हजूर शाह रुकन आलम नूरी हजूरी दरबार शरीफ तो थलां दा मंजर थले वेखो कि किन्ना खूबसूरत नज़ारा है। तो दरबार शरीफ तो सिर्फ एक मिनट बाद तुहानू विखाने हैं कि दरबार शरीफ खूबसूरत नज़ारा उस तो बाद जी एक मिनट तुम्हें दिखाने हैं। अजी मुल्तान शरीफ का नज़ारा है जी देखो मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ अलामा असदुल्लाह चिश्ती साहब
देखो जी कैसा रब ने नजारा। बड़ा मजबूती से मोबाइल को पकड़ना पड़ रहा है कहीं गिरी ना जाए। काफी बुलंदी पे हूँ। मजेदार और बड़ी खूबसूरत हवाएं बड़ी अच्छी चल रही है। ठंडी ठंडी हवाएं आधे आसमान तक तो मैं पहुंचूंगा। तो रब नेरे से मैं ये जी जा सईदी साहब अलाजरी माशाल्लाह प्यारा बच्चा और सुबह से लेके मुझे फिर रहा इधर आस्थानों पे दरबारों पे और फिर सैरें करवा रहा है खूबसूरत है। आप भी मुल्तान आए तो ज़रूर रब्ता करें। अपना फेसबुक अकाउंट भी है व्हाट्सअप नंबर भी इसका मैं दूंगा मेंशन करूंगा। नहीं जी अब आगे जा रहा हूँ फिर हो रहा वापसी वाला वो दूसरा ये वाला। आप देख रहे हैं ये मेरे मुर्शिद करीम ग़ज़ाली ज़मां राज़िए दौरां पीर सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह उनका आस्ताना शहीदगाह मुल्तान शरीफ अल्लामा असदुल्लाह चिश्ती साहब यहाँ पे आए हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त से नवाजे। मरकज़ी शहीदगाह यहाँ पे जुमे वाले दिन बहुत बड़ा है। हर जुमा बहुत बड़ा इजतमा होता है जो तारीखों में कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद वाले दिन जुमा होता है वैसे तो जुमा दिन ईद ही है। हाँ जी दरबार शरीफ कुतुबुल अक्ताब वली कामिल हजूर ग़ज़ाली ज़मां राज़िए दौरां पीर सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी मुल्तान शरीफ के शहनशाह औलिया में इनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने दीन का बहुत काम किया अकीदे का बहुत काम किया। असदुल्लाह चिश्ती साहब अल्लामा इधर हाजिरी देने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़ाली ज़मां के साहबजादे वली इब्न वली अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद सिजाद सईद शाह काज़मी लो जी हजूर ग़ज़ाली दौरान हजूर ग़ज़ाली ज़मां के आस्ताने से रवानगी वापसी हो गई।
और ये बाजी रशीदा पुल रशीदाबाद रशीदाबाजी रशीदाबाजी फ्लाई ओवर हम गुजर रहे हैं। ये रशीदाबाजी का मुझे समझ नहीं आया क्या लॉजिक है। ये एक नाम है रशीदाबाद रशीदाबाजी रशीद आबाद आबाद रशीद आबाद मैं कह रशीदा कोई बीबी है। और ये अजाली जमा के शगिर्द थे हाफिज अलामा खादिम हुसैन सईदी उनका ये इदारा है। ये उनका इदारा है माशाल्लाह बहुत बड़े आलम है। क्या बात। और ये जो सामने बीबियाँ नजर आ रही हैं ये कौन है? ये केंद्रीय ये आपने देख रही है ये चिश्ती साहब के साथ सेट होना चाहती है। ये आने जाने वाले को गुमराह करती है। नहीं ये चिश्ती साहब के साथ सेट होना चाहती है। इन्होंने को पास चिश्ती साहब ने कर लिया चाहती है। अच्छा जी जनाब अभी हम फ्लाई ओवर नीचे उतर आए हैं। इजाज़ सही थी कि शादी करनी है पहले इसके लिए कोई बच्ची खूबसूरत सी हो तो बताएं मेरी तबाही फेरने वाली होगी जी। उनकी कोई भैन पाँच छः होनी चाहिए ने क्योंकि फिर मैं भी तो आना ना है। चौक घुमियारा घुमियार तुम समझ तो गए होंगे जैसे मैंने अपने एक महल्ले के घुमियार को जलील किया था आपको समझ आ गई होगी बात। मैं जी बेगम जी तुहानू सुना रहे हैं वो देखे एक बार फिर से बच्चियाँ ऊपर आ गई है। बच्ची का गला खराब है हाथ लगा के बता रही है। दूसरे का पेट खराब है अपने वहाँ पे हाथ लगा है। जो कुमारा वाला क्या ये फ्लाई ओवर है? वीडियो को चलने देना आगे मैं गजाले जमा का मदरसा जामिया अनवार लोग दिखाऊंगा। ध्यान से बस में ना ठोक देना बात कोई होशा ना देख लीजिए। उधर गजाली जमा था उधर सब आधा वादा सबका लगा दी बस से चलो नहीं वो बड़े हराम दे होते ही पीछे ही रह ये बहुत नाजरी टक्कर लगा कार जो कार वाले इशारा लगा मुंह है ए जी चौक कुमारा वाला उतर गए ए आज तो ज़ियारत के लाने का गजाली जमात का इदारा जामिया इस्लामी अरबी अनवार लो ये सामने अनवार लो बोली तान आवाज बहुत बड़ा इदारा है अमन जामिया लगा जा सामने ध्यान रख। और ये वो गाड़ी थी नाजरी जिसमें पहली वो आपका जी अहबाब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं असदुल्ला चिश्ती और आप ऑफिशियल मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरे चैनल पे भी मैंने डाल ली। मैं आज हूँ मुल्तान फजल मॉडल में खिताब मैंने रात किया और फिर रात में किधर ही लेटा तो अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई मुझे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और जितने मेरे उलमा और नकीब महफिल ना तो जो भी फेसबुक यूज़ करता है उन सब के लिए ये वीडियो है। ये कॉल आप साथ साथ रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग सुने आप। ये मुझे कॉल आई और वो कहने लगा जी कि मैं पाकिस्तानी एक इदारे से बात कर रहा हूँ और आपके नाम पे फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं। तीन अकाउंट आपके नाम से चल रहे हैं अलामा असदुल्ला चिश्ती असदुल्ला चिश्ती और फिर एक असदुल्ला चिश्ती के नाम से। तो आपने वो अकाउंट रखने हैं या ब्लॉक करवाने? मैंने कहा भी वो तीनों अकाउंट मेरे हैं, एक मेरे मोबाइल में चल रहा है, दो मेरे कंप्यूटर में लॉगिन। कहता जी वो इधर से
एक रखेंगे बाकी आपके इधर से ब्लॉक होंगे। मैंने कहा जी अच्छा वो कैसे? मैंने फिर सोचा कि मैं देखूँ जरा ये कहता क्या करता क्या। उसने कहा जी आपके पास अभी मैसेज आया, वो जैसे व्हाट्सअप में ड्रामा होता था कि आपको मैसेज आता है। मैंने देखा वो फेसबुक पे मैसेज 600-300 का मैसेज आ गया, बताना मैंने नहीं इधर। तो मुझे कहता जी वो बताएं। मैंने कहा जी मेरे मोबाइल में सेंसर लगा हुआ है तो वो कॉल चल रही हो ना तो कोई भी मैसेज शो नहीं होता। कॉल मैंने काटी चेक किया तो वो फेसबुक का मैसेज था। तो उसके बाद मैंने वो कॉल उसकी दोबारा आई जी वो मैसेज बताया। मैंने कहा वो तो मैं बताऊंगा तो आप मेरा वो फेसबुक हैक हो जाए, नहीं जी वो इधर से मैं वरना ब्लॉक कर दूँ। ये सुन लें जरा कॉल सुन लें आप जी। तो कॉल आपने सुनी, देखा फिर कैसे वो अपने ड्रग। तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इनसे होशियार रहे, इनको आपने मैसेज नहीं बताना, वो कोड आपने नहीं बताना। वो कोड बताएंगे तो आपका पासवर्ड भी जो वो चेंज कर दे। ये तब होता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाए। मैं आपको बताता हूँ, आप एक आईडी लॉगिन करते हैं, आप अपनी एक आईडी लॉगिन करते हैं और आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको पासवर्ड याद तो नीचे ऑप्शन होता है कि आप अपनी आईडी क्योंकि पासवर्ड भूल गए तो वो फिर आपको मैसेज कर देते हैं आपके जीमेल में फेसबुक का। वो मैसेज आपके फेसबुक का आपके जीमेल में चला जाता है या आपके मोबाइल नंबर पे आता है जो आपने नंबर उसमें ऐड किया होता है। तो अगर आप वो नंबर बता देंगे तो वो नंबर लगा के अपने पास उसी आईडी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में भी वो नंबर चेंज करके और मवाद भी अपनी तरफ से कुछ डाल सकते हैं, आपकी आईडी हैक हो जाएगी। वो आपकी आईडी का मिसयूज कर सकते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह आपको आबाद रखे, आप सलामत रहें और होशियार रहें ऐसे लोगों से होशियार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर, चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर जितने इमरान आज से नाकाम हो गया है। दरबार शरीफ वली कामिल हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद अलामा खतीब लासानी अलामा असदुल्लाह चिश्ती साहब और टच वाली सरकार तशरीफ़ फरमाने हाज़री दे रहे हैं।
बना बजा को नाम बुखार क्या बस देख हाय हाय शाहरुख ने आलम के दरबार पे देखे नजारे देखें जी वली आफत तिजाज सईदी के संग अल्लाह देव को तो कितने रुपए चार रुकले आलम से शाहरुख ने आलम दूरी हजूरी गेट जूता स्टैंड टोकन हाँ जी टोकन चोकन नहीं है बात खत्म हो गए ना सारे सिंधी लाए गए ना
ਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਦੇ इधर अब सूरज आ रहे हैं ना रोंदा ये जी इजाज़ सईदी सब साथ साथ यही लेके आया मुझे अल्लाह तो पहले मुल्तान जब भी आता हूँ ना तो हाजिरी नहीं होती तो आज हाजिरी जो मुमकिन हुई है ना वो इसी वजह से शाहरुख ने आलम इसके बाद तो ख्वाजा बावलक जक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह आपके आस्थाने पे भी हाजिरी होनी है मुझे कबूतर क्या नजर क्या ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ ਆ ਜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਰੀਆਂ ਕੇ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨੇ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਨਮਸ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਖਾਜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਥੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ علامہ اسد اللہ چشتی صاحب
देखो जी कैसा रब ने नजारा। बड़ा मजबूती से मोबाइल को पकड़ना पड़ रहा है कहीं गिरी ना जाए। काफ़ी बुलंदी पे हूँ। मजेदार और बड़ी खूबसूरत हवाएं, बड़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं, आधे आसमान तक तो मैं पहुँचाऊंगा। तो रब नेड़े चल रहा है। ये जी जा सईदी साहब अलाजर, माशाल्लाह प्यारा बच्चा है, सुबह से लेके मुझे फिर रहा है इधर आस्थानों पे, दरबारों पे और फिर सैरें करवा रहा है, खूबसूरत है। आप भी मुल्तान आए तो ज़रूर रब्ता करें, अपना फेसबुक अकाउंट भी है, व्हाट्सअप नंबर भी इसका मैं दूंगा, मेंशन करूंगा। ले जी अब आगे जाओ, तस्वीर फिर हो रहा है। यस वापसी वाला वो दूसरा ये वाला। आप देख रहे हैं ये मेरे मुर्शिद करीम ग़ज़ाली ज़मां राज़िए दौरां पीर सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उनका आस्थाना शहीदगाह मुल्तान शरीफ। अल्लामा असदुल्लाह चिश्ती साहब यहाँ पे आए हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त से नवाजे। मरकज़ी शही ईदगाह, यहाँ पे जुमे वाले दिन बहुत बड़ा है, हर जुमा बहुत बड़ा इजतमा होता है जो तारीखों में कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद वाले दिन जुमा होता है, वैसे तो जुमा दिन ईद ही है। हाँ जी दरबार शरीफ कुतुब अल-अक्ताब वली कामिल हजूर ग़ज़ाली ज़मां राज़िए दौरां पीर सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी मुल्तान शरीफ के शहनशाह औलिया में इनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने दीन का बहुत बहुत काम किया, बहुत काम किया, अकीदे का बहुत काम किया। असदुल्लाह चिश्ती साहब अल्लामा इधर हाज़िरी देने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सामान ग़ज़ाली ज़मां के साहबजादे वली इब्न वली अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद सिजाद से शाह काज़मी लो जी हजूर बजा लिए दौरान हजूर बजा लिए जमा के आस्थाने से रवानगी वापसी हो गई।
और ये बाजी रशीदा पुल रशीदाबाद रशीदाबाद जी फ्लाईओवर रशीदाबाद जी फ्लाईओवर हम गुजर रहे हैं। ये रशीदाबाद जी का मुझे समझ नहीं आया क्या लॉजिक है। ये एक नाम है रशीदाबाद रशीदाबाद जी रशीद आबाद आबाद रशीद आबाद मैं कह रशीदा कोई बीबी है। और ये अजाली जमा के शगिर्द थे हाफिज अलामा खादिम हुसैन सईदी उनका ये इदारा है। ये उनका इदारा है माशाल्लाह बहुत बड़े आलम है। क्या बात। और ये जो सामने बीबियाँ नजर आ रही हैं ये कौन है? ये केंद्रीय ये क्या मिले नहीं है ये चिश्ती साहब के साथ सेट हो जाती है ये आने जाने वाले को गुमराह करती है। नहीं ये चिश्ती साहब के साथ सेट हो जाती है शादी करनी है पहले इसके लिए बच्ची खूबसूरत ही हो तो बताए दवाई फेरने वाली होगी जी ओ भैं पांच छे होनी चाहिए ने क्योंकि फिर मैं भी तो आना ना है चौक घुमियारा घुमियार तुम समझ तो गए होंगे जैसे मैंने अपने एक महल्ले के घुमियार को जलील किया था आपको समझ आ गई होगी बात है जी बेगम जी तुहानू सुना रहे हैं। वो देखे एक बार फिर से बच्चियाँ ऊपर आ गई हैं बच्ची का गला खराब है हाथ लगा के बता रही है दूसरे का पेट खराब है अपने वहाँ पे हाथ लगा है। तुम्हारा वाला क्या ये फ्लाईओवर है वीडियो को चलने देना आगे मैं गजाली जमा का मदरसा जामिया अनवार लोन दिखाऊंगा यहाँ से फंसे में ना ठोक देना बात कोई होशा ना देख लीजिए उतरे गजाली तुम्हारा उतरे सब आधा आधा अस्पताल लगा दी बस दे चलो दी कोई बड़े आराम दे उदे ही पीछे ही रह ये बहुत नाजरीन कटपल लगा कार जो कार वाले इशारा ले हुए है जी चौक कुमारा वाला उतर गए है आज तो ज़ियारत कराने का गजालिया समाधा इदारा जामिया इस्लामी अरबी अनवार लोन ये सामने अनवार लोन मुल्तान आबाद बहुत बड़ा इदारा है अमन जामिया लगा जा सामने ध्यान रख और ये वो गाड़ी थी नाजरीन जिसमें पहली जी हाँ बाप अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैं असदुल्ला चिश्ती और आप ऑफिशियल मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो देख रहे हो दूसरे चैनल पर भी मैंने डाल ली। मैं आज हूँ मुल्तान फजल मॉडल में खिताब मैंने रात किया और फिर रात में इधर ही लेटा तो अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई मुझे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और जितने मेरे उलमा और नकीब महफिल ना तो जो भी फेसबुक यूज़ करता उन सब के लिए ये वीडियो है। ये कॉल आप साथ साथ रिकॉर्डिंग सुने आप ये मुझे कॉल आई और वो कहने लगा जी कि मैं पाकिस्तानी एक इदारे से बात कर रहा हूँ और आपके नाम पे फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं तीन अकाउंट आपके नाम से चल रहे हैं अलामा असदुल्ला चिश्ती असदुल्ला चिश्ती और फिर एक असदुल्ला चिश्ती के नाम से आपने वो अकाउंट रखने या ब्लॉक करवाने। मैंने कहा भी वो तीनों अकाउंट मेरे हैं एक मेरे मोबाइल में चल रहा है दो मेरे कंप्यूटर में लॉगिन कहता है जी वो इधर से
एक रखेंगे बाकी आपके इधर से ब्लॉक होंगे। मैंने कहा अच्छा वो कैसे, मैंने फिर सोचा कि मैं देखूँ जरा ये कहता क्या करता क्या। उसने कहा जी आपके पास अभी मैसेज आया, वो जैसे व्हाट्सअप में ड्रामा होता था कि आपको मैसेज आता है। मैंने देखा वो फेसबुक पे मैसेज 600-300 का मैसेज आ गया, बताना मैंने नहीं इधर। तो मुझे कहता जी वो बताएं, मैंने कहा जी मेरे मोबाइल में सेंसर लगा हुआ है तो वो कॉल चल रही हो ना तो कोई भी मैसेज शो नहीं होता। कॉल मैंने काटी चेक किया तो वो फेसबुक का मैसेज था। तो उसके बाद मैंने वो कॉल उसकी दोबारा आई जी वो मैसेज बताए। मैंने कहा वो तो मैं बताऊँगा तो आप मेरा वो फेसबुक हैक हो जाएगी, नहीं जी वो इधर से मैं वरना ब्लॉक कर दूँ। ये सुन ले जरा कॉल सुन ले आप जी। तो कॉल आपने सुनी, देखा फिर कैसे वो अपने ड्रग, तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इनसे होशियार रहे, इनको आपने मैसेज नहीं बताना, वो कोड आपने नहीं बताना, वो कोड बताएंगे तो आपका पासवर्ड भी वो चेंज कर दे। ये तब होता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाए। मैं आपको बताता हूँ, आप एक आईडी लॉगिन करते हैं, आप अपनी एक आईडी लॉगिन करते हैं और आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको पासवर्ड याद, तो नीचे ऑप्शन होता है कि आप अपनी आईडी क्योंकि पासवर्ड भूल गए तो वो फिर आपको मैसेज कर देते हैं आपके जीमेल में, फेसबुक का वो मैसेज आपके फेसबुक का आपके जीमेल में चला जाता है या आपके मोबाइल नंबर पे आता है जो आपने नंबर उसमें ऐड किया होता। तो अगर आप वो नंबर बता देंगे तो वो नंबर लगा के अपने पास उसी आईडी को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद में भी वो नंबर चेंज करके और मवाद भी अपनी तरफ से कुछ डाल सकते हैं, आपकी आईडी हैक हो जाएगी, वो आपकी आईडी का मिसयूज़ कर सकते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो यहीं तक थी, अल्लाह आपको आबाद रखे, आप सलामत रहें और होशियार रहें ऐसे लोगों से होशियार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर, चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर डेरा बिठाना जिते इमरान आसी नाकाम हो गया है। माशाल्लाह दरबार शरीफ वली कामिल हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद अलामा खतीब लासानी अलामा असदुल्लाह चिश्ती साहब और टच वाली सरकार तशरीफ़ फरमाने हाज़री दे रहे हैं।
ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਮ शाहरुख ने आलम के दरबार पे देखे। नजारे देखें जी, वली आफत इजाज़ सईदी के संग अल्लाह दे वो तो कितने रुपए चार रुकले आलम से शाहरुख ने आलम दूरी हजूरी गेट जूता स्टैंड टोकन हाँ जी टोकन चोकन नहीं है का? बात खत्म हो गए ना सारे सिंधी लाए गए ना
ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਦੇ। इधर अब सूरज जा रहे हैं ना, रोंदा ये इजाज़ सही थी सब साथ साथ यही लेके आया मुझे। अल्लाह तो पहले मुल्तान जब भी आता हूँ ना तो हाजिरी नहीं होती, तो आज हाजिरी जो मुमकिन हुई है ना वो इसी वजह से। शाहरुख ने आलम इसके बाद तो ख्वाजा बाबला ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह आपके आस्थाने पे भी हाजिरी होनी है मेरी। कबूतर क्या नजर क्या ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। ਆਜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤੇ ਖਾਜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਥੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ علامہ اسدالله چشتی صاحب
देखो जी कैसा रब ने नजारा। बड़ा मजबूती से मोबाइल को पकड़ना पड़ रहा है कहीं गिरी ना जाए। काफी बुलंदी पे हूँ। मजेदार और बड़ी खूबसूरत हवाएं, बड़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं, आधे आसमान तक तो मैं पहुंचाऊंगा। तो रब नेरे चल रहा है। ये जी जा सईदी साहब अलाजरी माशाल्लाह, प्यारा बच्चा और सुबह से लेके मुझे फिर रहा है इधर आस्थानों पे, दरबारों पे और फिर सैरें करवा रहा है खूबसूरत है। आप भी मुल्तान आए तो ज़रूर रब्ता करें इसे। अपना फेसबुक अकाउंट भी है, व्हाट्सअप नंबर भी इसका मैं दूंगा, मेंशन करूंगा। नहीं जी अब मैं आगे जा रहा हूँ। फिर होना वापसी वाला वो दूसरा ये वाला। आप देख रहे हैं ये मेरे मुर्शिद करीम ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरान पीर सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उनका आस्थाना शहीद ईदगाह मुल्तान शरीफ। अल्लामा असदुल्लाह चिश्ती साहब यहाँ पे आए हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त से नवाजे। ये मरकज़ी शही ईदगाह, यहाँ पे जुमे वाले दिन बहुत बड़ा है, हर जुमा बहुत बड़ा इजतमा होता है जो तारीखों में कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद वाले दिन जुमा होता है वैसे तो जुमा दिन ईद ही है। हाँ जी दरबार शरीफ कुतुबुल अकताब वली कामिल हजूर ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरान पीर सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी मुल्तान शरीफ के शहनशाह औलिया में इनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने दीन का बहुत बहुत काम किया, बहुत काम किया, अकीदे का बहुत काम किया। असदुल्लाह चिश्ती साहब अल्लामा इधर हाजिरी देने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़ाली ज़मां के साहबजादे वली इब्न वली अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद सिजाद सईद शाह काज़मी लो जी हजूर बजा लिए दौरा हजूर बजा लिए जमा के आस्थाने से रवानगी वापसी हो गई।
और ये बाजी रशीदापुर रशीदाबाद रशीदाबाद जी फ्लाई ओवर रशीदाबाद जी फ्लाई ओवर हम गुजर रहे हैं। ये रशीदाबाद जी का मुझे समझ नहीं आया क्या लॉजिक है। ये एक नाम है रशीदाबाद रशीदाबाद जी रशीद आबाद आबाद रशीद आबाद मैं कहा रशीदा कोई बीबी है। और ये जी हम पुल चढ़ गए अजाली जमा के शागिर्द थे हाफिज अलामा खादिम हुसैन सईदी उनका ये इदारा है। ये उनका इदारा है माशाल्लाह बहुत बड़े आलम है। और ये जो सामने बीबियाँ नजर आ रही हैं ये कौन है? ये केंद्रीय ये इधर क्या मिले नहीं है ये चिश्ती साहब के साथ सेटल हो जाती है ये आने जाने वाले को गुमराह करती है। नहीं ये चिश्ती साहब के साथ सेटल हो जाती है इधर को पास चिश्ती साहब ने कर लिया चलते हैं। अच्छा जी जनाब अभी हम फ्लाई ओवर नीचे उतर रहे हैं इजाज़ सही थी कि शादी करनी है पहले इसके लिए कोई बच्ची खूबसूरत सी हो तो बताएं मेरी दवाई फिर नाली होगी जी उनकी कोई भैन पाँच छः होनी चाहिए ने क्योंकि फिर मैं भी तो आना ना है। चौक घुमियारा घुमियार तुम समझ तो गए होंगे जैसे मैंने अपने एक महल्ले के घुमियार को जलील किया था आपको समझ आ गई होगी बात है जी बेगम जी तुहानू सुना रहे हैं। चौक वो देखे एक बार फिर से बच्चियाँ ऊपर आ गई हैं बच्ची का गला खराब है हाथ लगा के बता रही है दूसरे का पेट खराब है अपने वहाँ पे हाथ लगा है। चौक दोबारा वाला क्या ये फ्लाई ओवर है वीडियो को चलने देना आगे मैं गजाले जमा का मदरसा जामिया अनवार लोग दिखाऊंगा ध्यान से फंस मेरा ठोक देना बाद कोई और शहर देख लीजिए उधर गजाली जमा रहा हूँ उधर सब आधा आधा सप्ताह लगा दी बस से चलो दी कोई बड़े आराम दे होते ही पीछे ही रहे बहुत बड़ा इदारा है वो आपका जी अहबाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं असदुल्ला चिश्ती और आप ऑफिशियल मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो देख रहे हो दूसरे चैनल पे भी मैंने डाली। मैं आज हूँ मुल्तान फजल मॉडल में खिताब मैंने रात किया और फिर रात में इधर ही लेटा तो अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई मुझे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और जितने मेरे उलमा और नकीब महफिल होना तो जो भी फेसबुक यूज़ करता उन सब के लिए ये वीडियो है ये कॉल आप साथ साथ रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग सुने आप ये मुझे कॉल आई और वो कहने लगा जी कि मैं पाकिस्तानी एक इदारे से बात कर रहा हूँ और आपके नाम पे फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं तीन अकाउंट आपके नाम से चल रहे हैं अलामा असदुल्ला चिश्ती असदुल्ला चिश्ती और फिर एक असदुल्ला चिश्ती के नाम से तो आपने वो अकाउंट रखने हैं या ब्लॉक करवाने। मैंने कहा भी वो तीनों अकाउंट मेरे हैं एक मेरे मोबाइल में चल रहा है दो मेरे कंप्यूटर में लॉगिन कहता है जी वो इधर से
एक रखेंगे बाकी आपके इधर से ब्लॉक होंगे। मैंने कहा जी अच्छा वो कैसे। मैंने फिर सोचा कि मैं देखूँ जरा ये क्या था क्या करता क्या। उसने कहा जी आपके पास अभी मैसेज आया, वो जैसे व्हाट्सअप में ड्रामा होता था कि आपको मैसेज आता है। मैंने देखा वो फेसबुक पे मैसेज 600-300 का मैसेज आ गया, बताना मैंने नहीं इधर। तो मुझे कहता जी वो बताएं। मैंने कहा जी मेरे मोबाइल में सेंसर लगा हुआ है तो वो कॉल चल रही हो ना तो कोई भी मैसेज शो नहीं होता। कॉल मैंने काटी चेक किया तो वो फेसबुक का मैसेज था। तो उसके बाद मैंने वो कॉल उसकी दोबारा आई जी वो मैसेज बताया। मैंने कहा वो तो मैं बताऊँगा तो आप मेरा वो फेसबुक हैक हो जाएगा। नहीं जी वो इधर से मैं वरना ब्लॉक कर दूँ। ये सुन लें जरा कॉल सुन लें आप जी। तो कॉल आपने सुनी देखा फिर कैसे वो अपने ड्रग। तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इनसे होशियार रहें, इनको आपने मैसेज नहीं बताना, वो कोड आपने नहीं बताना। वो कोड बताएंगे तो आपका पासवर्ड भी जो वो चेंज कर देते। ये तब होता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाए। मैं आपको बताता हूँ, आप एक आईडी लॉगिन करते हैं, आप अपनी एक आईडी लॉगिन करते हैं और आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको पासवर्ड याद तो नीचे ऑप्शन होता है कि आप अपनी आईडी क्योंकि पासवर्ड भूल गए तो वो फिर आपको मैसेज कर देते हैं आपके जीमेल में फेसबुक का। वो मैसेज आपके फेसबुक का आपके जीमेल में चला जाता है या आपके मोबाइल नंबर पे आता है जो आपने नंबर उसमें ऐड किया होता। तो अगर आप वो नंबर बता देंगे तो वो नंबर लगा के अपने पास उसी आईडी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में भी वो नंबर चेंज करके और मवाद भी अपनी तरफ से कुछ डाल सकते हैं, आपकी आईडी हैक हो जाएगी। वो आपकी आईडी का मिसयूज कर सकते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह आपको आबाद रखे, आप सलामत रहें और होशियार रहें ऐसे लोगों से होशियार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर, चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर जितने इमरान आज से नाकाम हो गया है। दरबार शरीफ वली कामिल हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद अलामा खतीब लासानी अलामा असदुल्लाह चिश्ती साहब और टच वाली सरकार तशरीफ़ फरमाने हाज़री दे रहे हैं।
ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਉਹ ਨਾਮ शाहरुख ने आलम के दरबार पे देखे। नजारे देखें जी, वली आफत इजाज सईदी के संग अल्लाह देव छोटा कितने रुपए चार रुकले आलम से शाहरुख ने आलम दूरी हजूरी गेट जूता स्टैंड टोकन हाँ जी टोकन चोकन नहीं आएगा बात खत्म हो गए ना सारे सिंधी लाए गए ना
ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਇਧਰ ਆ ਸੂਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ यही लेके आया मुझे अल्लाह। तो पहले मुल्तान जब भी आता हूँ ना तो हाजिरी नहीं होती, तो आज हाजिरी जो मुमकिन हुई है ना वो इसी वजह से। शाहरुख ने आलम इसके बाद तो ख्वाजा बाबलक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह आपके आस्थाने पे भी हाजिरी होगी मुझे। क्या नजर, क्या नजर। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨੇ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਖਾਜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਥੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਲਾਮਾ ਅਸਦੁੱਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ
देखो जी कैसा रब ने नजारा। बड़ा मजबूती से मोबाइल को पकड़ना पड़ रहा है कहीं गिरी ना जाए। काफ़ी बुलंदी पे हूँ। मज़ेदार और बड़ी खूबसूरत हवाएं, बड़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं, आधे आसमान तक तो मैं पहुँचाऊँगा। तो रब नेरे चल रहा है। ये जी जहाज सईदी साहब अलाजरी, माशाल्लाह प्यारा बच्चा है और सुबह से लेके मुझे फिर रहा है इधर आस्थानों पे, दरबारों पे और फिर सैरें करवा रहा है, खूबसूरत है। आप भी मुल्तान आए तो ज़रूर रब्ता करें इसे। अपना फेसबुक अकाउंट भी है, व्हाट्सअप नंबर भी इसका मैं दूंगा, मेंशन करूंगा। नहीं जी अब आगे जा रहा हूँ। वापसी वाला वो दूसरा ये वाला आप देख रहे हैं, ये मेरे मुर्शिद करीम ग़ज़ाली ज़मां राज़िए दौरां पीर सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उनका आस्थाना शहीदगाह मुल्तान शरीफ। अल्लामा असद अल्लाह चिश्ती साहब यहाँ पे आए हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त से नवाजे। ये मरकज़ी शहीदगाह, यहाँ पे जुमे वाले दिन बहुत बड़ा है, हर जुमा बहुत बड़ा इजतमा होता है जो तारीखों में कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ईद वाले दिन जुमा होता है। हाँ वैसे तो जुमा दिन ईद ही है। हाँ जी दरबार शरीफ कुतुबुल अकताब वली कामिल हजूर ग़ज़ाली ज़मां राज़िए दौरां पीर सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी मुल्तान शरीफ के शहनशाह औलिया में इनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने दीन का बहुत बहुत काम किया, बहुत काम किया, अकीदे का बहुत काम किया। असदुल्लाह चिश्ती साहब अल्लामा इधर हाज़िरी देने के लिए आए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। ग़ज़ाली ज़मां के साहबजादे वली इब्न वली अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद सिजाद से शाह काज़मी लो जी हजूर बजा लिए दौरान हजूर बजा लिए जमा के आस्थाने से रवानगी वापसी हो गई।
और ये बाजी रशीदा पुल रशीदाबाद रशीदाबाजी फ्लाईओवर रशीदाबाजी फ्लाईओवर हम गुजर रहे हैं। ये रशीदाबाजी का मुझे समझ नहीं आया क्या लॉजिक है। ये एक नाम है रशीदाबाद रशीदाबाजी रशीद आबाद आबाद रशीद आबाद मैं कह रशीदा कोई बीपी है। और ये अजाली जमा के शगिर्द थे हाफिज अलामा खादिम हुसैन सईदी उनका ये इदारा है। ये उनका इदारा है माशाल्लाह बहुत बड़े आलम है। और ये जो सामने बीबियाँ नजर आ रही हैं ये कौन है? ये केंद्रीय ये चिश्ती साहब के साथ सेट होना चाहती है। ये आने जाने वाले को गुमराह करती है। नहीं ये चिश्ती साहब के साथ सेट होना चाहती है। शादी करनी है पहले इसके लिए बच्ची खूबसूरत सी हो तो बताएं दवाई फेरन वाली होगी जी उन भैन पांच छह होनी चाहिए ने क्योंकि फिर मैं भी तो आना ना है। चौक घुमियारा वाला घुमियार तुम समझ तो गए होंगे जैसे मैंने अपने एक महल के घुमियार को जलील किया था आपको समझ आ गई होगी बात। मैं जी बेगम जी तुहानू सुना रहे हैं एक बार फिर से बच्चियाँ ऊपर आ गई है बच्ची का गला खराब है हाथ लगा के बता रही है दूसरे का पेट खराब है उसने वहाँ पे हाथ लगा है। जो कुमारा वाला क्या ये फ्लाईओवर है वीडियो को चलने देना आगे मैं गजाली जमा का मदरसा जामिया अनवार लोन दिखाऊंगा यहाँ से बस में ना ठोक देना बाद कोई और शहर देख लीजिए उधर गजाली जमा था उधर सब आधा वादा सबका लगा दी बस से चलो दी कोई बड़े हराम दे होंगे ये पीछे ही रहे बहुत बड़ा इदारा है जी हम आप अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं असदुल्ला चिश्ती और आप ऑफिशियल मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरे चैनल पे भी मैंने डाल ली। मैं आज हूँ मुल्तान फजल मॉडल में खिताब मैंने रात किया और फिर रात में किधर ही लेटा तो अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई मुझे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और जितने मेरे उलमा और नकीब महफिल ना तो जो भी फेसबुक यूज़ करता है उन सब के लिए ये वीडियो है। ये कॉल आप साथ साथ रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग सुने आप ये मुझे कॉल आई और वो कहने लगा जी कि मैं पाकिस्तानी एक इदारे से बात कर रहा हूँ और आपके नाम पे फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं तीन अकाउंट आपके नाम से चल रहे हैं अलामा असदुल्ला चिश्ती असदुल्ला चिश्ती और फिर एक असदुल्ला चिश्ती के नाम से आपने वो अकाउंट रखने या ब्लॉक करवाने। मैंने कहा भी वो तीनों अकाउंट मेरे हैं एक मेरे मोबाइल में चल रहा है दो मेरे कंप्यूटर में लॉगिन कहता जी वो इधर से
एक रखेंगे, बाकी आपके इधर से ब्लॉक होगा। मैंने कहा जी अच्छा वो कैसे। मैंने फिर सोचा कि मैं देखूँ जरा ये कहता क्या करता क्या। उसने कहा जी आपके पास अभी मैसेज आया, वो जैसे व्हाट्सअप में ड्रामा होता था कि आपको मैसेज आता है। मैंने देखा वो फेसबुक पे मैसेज 600-300 का मैसेज आ गया, बताना मैंने नहीं इधर। तो मुझे कहता जी वो बताएं। मैंने कहा जी मेरे मोबाइल में सेंसर लगा हुआ है, तो वो कॉल चल रही हो ना तो कोई भी मैसेज शो नहीं होता। कॉल मैंने काटी, चेक किया तो वो फेसबुक का मैसेज था। तो उसके बाद मैंने वो कॉल उसकी दोबारा आई, जी वो मैसेज बताए। मैंने कहा वो तो मैं बताऊंगा तो आप मेरा वो फेसबुक हैक हो जाएगा, नहीं जी वो इधर से मैं वरना ब्लॉक कर दूँ। ये सुन लें जरा, कॉल सुन लें जी। तो कॉल आपने सुनी, देखा फिर कैसे वो अपने ड्रग। तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इनसे होशियार रहे, इनको आपने मैसेज नहीं बताना, वो कोड आपने नहीं बताना। वो कोड बताएंगे तो आपका पासवर्ड भी जब वो चेंज कर दे। ये तब होता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाए। मैं आपको बताता हूँ, आप एक आईडी लॉगिन करते हैं, आप अपनी एक आईडी लॉगिन करते हैं और आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको पासवर्ड याद। तो नीचे ऑप्शन होता है कि आप अपनी आईडी, क्योंकि पासवर्ड भूल गए तो वो फिर आपको मैसेज कर देते हैं आपके जीमेल में, फेसबुक का वो मैसेज आपके फेसबुक का आपके जीमेल में चला जाता है या आपके मोबाइल नंबर पे आता है जो आपने नंबर उसमें ऐड किया होता। तो अगर आप वो नंबर बता देंगे तो वो नंबर लगा के अपने पास उसी आईडी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में भी वो नंबर चेंज करके और मवाद भी अपनी तरफ से कुछ डाल सकते हैं, आपकी आईडी हैक हो जाएगी, वो आपकी आईडी का मिसयूज़ कर सकते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह आपको आबाद रखे, आप सलामत रहें और होशियार रहें ऐसे लोगों से होशियार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर, चुंगी नंबर 14 फ्लाई ओवर जितने इमरान आज से नाकाम हो गया है। दरबार शरीफ वली कामिल हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद अलामा खतीब लासानी अलामा असदुल्लाह चिश्ती साहब और टच वाली सरकार तशरीफ़ फरमाने हाजिरी दे रहे हैं।
ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਮ बस देख हाय हाय शाहरुख ने आलम के दरबार पे देखे शाहरुख ने आलम के दरबार पे देखे नजारे देखें जी वली आफत इजाज सईदी के संग अल्लाह दे वो तो की जरूरत पे चार रुकले आलम से शाहरुख ने आलम दूरी हजूरी गेट मुर्शिद जूता स्टैंड टोकन हाँ जी टोकन चोकन नहीं है का? बात खत्म हो गए ना सारे सिंधी लाए गए ना
ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ। इधर अब सूरज आ रहे हैं ना, इजाज़ सही थी सब साथ साथ यही लेके आया मुझे। अल्लाह तो पहले मुल्तान जब भी आता हूँ ना तो हाजिरी नहीं होती, तो आज हाजिरी जो मुमकिन हुई है ना वो इसी वजह से। शाहरुख ने आलम इसके बाद तो ख्वाजा बावला जक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह आपके आस्थाने पे भी हाजिरी होगी मुझे। कबूतर क्या नजर है, क्या ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ। ਆ ਜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਬਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਲੀਏ ਕਮਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਖਾਜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਥੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ علامہ اسدالله چشتی صاحب
देखो जी कैसा रब ने नजारा। बड़ा मजबूती से मोबाइल को पकड़ना पड़ रहा है कहीं गिरी ना जाए। काफ़ी बुलंदी पे हूँ। मजेदार और बड़ी खूबसूरत हवाएं, बड़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं, आधे आसमान तक तो मैं पहुँचाऊँगा। तो रब नेड़े चल रहा है। ये जी जा सईदी साहब अलाजरी, माशाल्लाह प्यारा बच्चा है, और सुबह से लेके मुझे फिर रहा है इधर आस्थानों पे, दरबारों पे, और फिर सैरें करवा रहा है खूबसूरत है। आप भी मुल्तान आए तो ज़रूर रब्ता करें इसे। अपना फेसबुक अकाउंट भी है, व्हाट्सअप नंबर भी इसका मैं दूंगा, मेंशन करूंगा। नहीं जी अब आगे जा रहा हूँ, तस्वीर पर हो रहा है। वापसी वाला वो दूसरा ये वाला। आप देख रहे हैं ये मेरे मुर्शिद करीम ग़ज़ाली ज़मां राज़िए दौरां पीर सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उनका आस्थाना शही ईदगाह मुल्तान शरीफ। अल्लामा असदुल्लाह चिश्ती साहब यहाँ पे आए हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त से नवाजे। मरकज़ी शही ईदगाह, यहाँ पे जुमे वाले दिन बहुत बड़ा है, हर जुमा बहुत बड़ा इजतमा होता है जो तारीखों में कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद वाले दिन जुमा होता है, वैसे तो जुमा दिन ईद ही। हाँ जी, दरबार शरीफ, कुतुबुल अक्ताब, वली कामिल, हजूर ग़ज़ाली ज़मां राज़िए दौरां पीर सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी, मुल्तान शरीफ के शहनशाह औलिया में इनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने दीन का बहुत काम किया, अकीदे का बहुत काम किया। असदुल्लाह चिश्ती साहब अल्लामा इधर हाज़िरी देने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़ाली ज़मां के साहबजादे वली इब्न वली अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद सिजाद सईद शाह काज़मी, लो जी हजूर बजा लिए दौरान, हजूर बजा लिए जमा के आस्थाने से रवानगी वापसी हो गई।
और ये बाजी रशीदा पुल रशीदाबाद रशीदाबाजी फ्लाईओवर रशीदाबाजी फ्लाईओवर हम गुजर रहे हैं। ये रशीदाबाजी का मुझे समझ नहीं आया क्या लॉजिक है। ये एक नाम है रशीदाबाद रशीदाबाजी रशीद आबाद आबाद रशीद आबाद मैं कह रशीदा कोई बीबी है और ये अजाली जमा के शगिर्द थे हाफिज अलामा खादिम हुसैन सईदी उनका ये इदारा है। ये उनका इदारा है माशाल्लाह बहुत बड़े आलम है। क्या बात। और ये जो सामने बीबियाँ नजर आ रही हैं ये कौन है? ये केंद्रीय ये इधर क्या मिले नहीं है ये चिश्ती साहब के साथ सेटल हो जाती है ये आने जाने वाले को गुमराह करती है। नहीं ये चिश्ती साहब के साथ सेटल हो जाती है शादी करनी है पहले इसके लिए बच्ची खूबसूरत सी हो तो बताए दवाई मेरे नाल ही होगी जी को भैन पांच छे होनी चाहिए ने क्योंकि फिर मैं भी तो आना ना है चौक घुमियारा वाला घुमियार तुम समझ तो गए होंगे जैसे मैंने अपने एक महल्ले के घुमियार को जलील किया था आपको समझ आ गई होगी बात है जी बेगम जी तुहानू सुना रहे हैं। चौक वो देखे एक बार फिर से बच्चियों ऊपर आ गई है बच्ची का गला खराब है हाथ लगा के बता रही है दूसरे का पेट खराब है अपने वहाँ पे हाथ लगा है। जो दोबारा वाला क्या ये फ्लाईओवर है वीडियो को चलने देना आगे मैं गजालिया जमा का मदरसा जामिया अनवार लोन दिखाऊंगा ध्यान से बस में ना ठोक के ना बाद कोई और शहर देख लीजिए दूसरे गजालिया जमा था मदरसा बखादा बखादा सबका लगा दी बस से चलो नहीं वो बड़े आराम दे होते पीछे ही रह बहुत बड़ा इदारा है वो आपका है।